नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार के बीजेपी में जाने के बाद तेजस्वी यादव लगातार मुसीबतों पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बीजेपी में पलटी मारी और उसके बाद तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार इस उलझन में रह गया कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि यहां पर लगातार ये कहा गया कि नीतीश कुमार ही थे जो इंडिया गठबंधन को दम दे रहे थे। और नीतीश कुमार के बीजेपी में जाने के बाद सबसे ज्यादा हैरान हुए तो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव। लेकिन ऐसे में अब सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार पर बड़ा निशाना साधा। बता दें कि तेजस्वी यादव जो यात्रा करना चाहते हैं, राहुल की तरह ही यात्रा निकालना चाहते हैं, उस यात्रा पर सम्राट चौधरी ने एक बड़ा हमला बोल दिया। सम्राट चौधरी का कहना है कि लूट यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार को जिस प्रकार से लालू परिवार ने लूटा है वो सबको पता है। लालू परिवार देश को लूटना चाहता है, इसलिए अब यात्राएं कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन ऐसे में जो सम्राट चौधरी का बयान रहा, उससे कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सचमुच क्या यहाँ पर बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव ने सबसे ज्यादा घोटाले किए हैं। बता दें कि यहाँ पर लगातार बीजेपी पार्टी की तरफ से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर हमले बोले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर भी यहाँ पर मामला साफ है और ऐसे में सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए जरा। अरे पहले उनको लूट यात्रा निकालना था। बिहार में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उनके परिवार ने किया, वो पहले तो लूट यात्रा को बताना चाहिए कि जी कितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, उनके परिवार ने किया। 2024 के चुनाव की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर बिहार की सभी सीटें जीतने का प्रयास कर रही है। तो दर्शकों, यहाँ पर सम्राट चौधरी सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी की तरफ से लालू प्रसाद के परिवार पर हमला बोलते और तेजस्वी यादव को यहाँ पर कहीं ना कहीं लुटेरा परिवार का हिस्सा बता देते हैं और ये बता देते हैं कि ये वही परिवार है जो यहाँ पर बिहार को लूट रहा है और इससे पहले उन्होंने बिहार को कई बार लूटा है। वैसे में जो तेजस्वी यादव राहुल की तरह यात्रा निकालना चाहते हैं, राहुल की यात्रा में शामिल भी होते हैं और आगे आने समय में राहुल के साथ शामिल होना चाहते हैं, ऐसे में सम्राट चौधरी ने उनके परिवार को लुटेरा बता दिया और उनकी यात्रा को लूट यात्रा बता दी कि जिस प्रकार से उन्होंने बिहार को लूटा है, अब और ज्यादा लूटने की चेष्टा न करें और इसके परिवार को अपने साथ घर पर बैठना चाहिए। दर्शकों, अब देखना होगा जिस प्रकार से सम्राट चौधरी ने यहाँ पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद के परिवार पर बड़ा निशाना साधा। ना सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि पूरे परिवार को यहाँ पर सम्मिलित कर दिया और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा आहत लगे और लालू प्रसाद यादव अब चुप बैठने वाले नहीं और लालू प्रसाद यादव भी कोई ना कोई पलटवार करते हुए नजर आए। दर्शकों, देखना होगा क्या सचमुच लालू प्रसाद यादव कोई पलटवार करते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल।